हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस का मैच हो रहा है, एमएयू वर्सेस एंगोला के बीच 10:30 बजे मैच खेला जाएगा। आज का दिन बहुत अमेजिंग है। और कल भाई साहब, कल एक लॉस कवरेज मैच दिया था, अमेजिंग गया था भाई वो। उसके बाद से दिन की अच्छी शुरुआत शुरू हो गई थी, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि कल रात को ही जैकपॉट लग गया था। और आज भी हैं अच्छे मैचेस। तो और बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो एमएयू और एंगोला के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों टीम बहुत सिमिलर है। अब आप पूछोगे भाई क्या चीज़ है जो सिमिलर है, चक्कर ये दोनों टीम ही बकवास है, ये चीज़ है इनके अंदर सिमिलैरिटी। मैं आपको सही बताऊं तो आज मैचेस अच्छे हैं, जैसे कि आज बेसिक्टस का मैच अच्छा है, आज नीचे आओ तो लिप्जिक का मैच एवरेज है, उसके बाद एसी मिलन का अच्छा है, तुनिशिया का मैच अच्छा है, लेकिन ये वाला मैच एमएयू वर्सेस एंगोला ये थोड़ा रिस्की है। हर मैच जैकपॉट नहीं होता मेरे भाई, ये आप मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो इसलिए ये मैच थोड़ा रिस्की है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी मीडियम रखना, कम रखना, ये ना हो दिल खोल के कर दो और बाद में भाई साहब आपको भुगतना पड़े, क्योंकि इस मैच के अंदर विनिंग चांसेस 60-70 से भी कम है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जीत जाओ तो खुशी मनाओ और अगर हारो तो आपको दुख ना हो, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए भाई मैं यहाँ पर बहुत देर से एनालाइज़ कर रहा था, तो मेरे समझ में सिर्फ ये आया कि एंगोला के जो स्ट्राइकर हैं वो सिर्फ नाम के स्ट्राइकर हैं, मतलब कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। अगर मैं बात करूँ जेलसन डाला की, तो बंदा ये पिछले मैच के अंदर क्यों नहीं चला, जब तू इतना बड़ा प्लेयर है भाई तो क्यों नहीं चला? मतलब देखा जाए तो पिछले मैच के अंदर भी पता चल गया था, अब मेरी मजबूरी है मुझे लेना पड़ेगा। और एम पेशेंशिया की बात करूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार, ये पिछले मैच के अंदर पता नहीं कैसे गोल कर गया, ये तो सब्स्टिट्यूशनल गोल हो गया, इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन मैं सही बताऊँ तो मैं लुवुम्बो का गोल एक्सपेक्ट कर रहा था एक बार अपने मन में कि यार इसका हो ना जाए, मेरे को डर था, लेकिन चलो हुआ नहीं, लेकिन आज मैं कहूँगा हो, इसलिए मैं इसको लूँगा। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, ऑपोजिशन टीम के अंदर एक प्लेयर है जिसका नाम है हिमाया टेंजी और एक प्लेयर है जिसका नाम है एक क्वाइटा। तो अगर आप एक क्वाइटा को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और एक क्वाइटा को नहीं लेना देन यू कैन गो विद एच टेंजी, आई एम गोइंग विद एक क्वाइटा, क्योंकि पिछले मैच के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी, इस बंदे ने पूरा 90 मिनट खेला था। दूसरी चीज़ नोटिस आपने करी होगी कि इसने दो बार गोल करने की कोशिश भी की थी, बेचारे से हुआ नहीं यार, मतलब मैं तो मेहनत को सलाम देता हूँ। एंड आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, तो है रिबेरियो, क्योंकि जी वेरा खेल नहीं रहा तो रिबेरियो बनता है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम के बड़े प्लेयर तो पिछले मैच में बहुत कम खेले थे, साफ बोल दूं अगर मैं तो, इसलिए मैं ओ गसामा को यहाँ पर जरूर लूँगा। गसामा के बाद एक प्लेयर जो मैं लूँगा वो जी फोफामा और आई थियाम में से एक होगा, अभी मैं थियाम को सेव कर रहा हूँ, और कोई प्लेयर मैं यहाँ से नहीं ले रहा। डिफेंडिंग सेक्शन में जाऊँ तो एल अगस्टो, उसके बाद के गैस्पर, दे दोनों हमारे प्लेयर डन है। गैस्पर के बाद जे बुआटू यहाँ पर मैं लूँगा, बुआटू के बाद आप एक प्लेयर ऑपोजिशन टीम का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इनके साथ ही जाना है, जिनके साथ जिनको एबिट के साथ जाना है जा सकते हो, क्योंकि मैं क्लीन शीट वाली तो टीम ही नहीं बना रहा मेरे भाई। एंड बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, गोलकीपिंग सेक्शन के अंदर मैं लूँगा बी न्यासे को, यहाँ पर नेबलू नहीं बनता, क्योंकि जिस टीम के दो स्ट्राइकर ले रखे हैं आपने, नेचुरली आप सोच रहे हो कि शूटिंग टारगेट होंगे, इसलिए भाई साहब मैं इसके साथ जाऊँगा। एंड बात करें यहाँ पर कप्तान की, कप्तान है मेरी टीम का जेलसन डाला, वाइस कप्तान एक क्वाइटा भी रख सकता हूँ, लेकिन आई एम गोइंग विद लुवुम्बो बिकॉज दोनों सिमिलर हैं, मेरे को पता है अगर लुवुम्बो का गोल आएगा तब भी मुझे फ़ायदा है, अगर क्वाइटा गोल करेगा तब भी फायदा है, तो वाइस कप्तान का इतना कुछ है नहीं मेरे को दिलचस्पी, मैं तो चाहता हूँ कि अगर एक आधी असिस्ट भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।